तो फाइनली दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे गेम में मल्टीप्लेयर का अपडेट आ चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पर दो करेक्टर रहे हैं, देख लो। और आप लोग भी मल्टीप्लेयर का करेक्टर अपने गेम में लेना चाहते हो तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और आप लोग तभी मल्टीप्लेयर का चीट कोड पता चलेगा और आप लोग कैसे मल्टीप्लेयर में दो एक करेक्टर को दोनों एक ही बाइक पर कैसे चला सकते हो जैसे यहाँ पर मैं चला रहा हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लेना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होने वाला है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर देना। मैं आप लोग बता देता हूँ कि अपने इंडियन बाइक थोड़े में मल्टीप्लेयर को कैसे लेना है। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ मल्टीप्लेयर मोड, तो देखो यहाँ। लेकिन उससे पहले जो हमारा हेलीकॉप्टर, वो देखो यहाँ पर कैसे यहाँ पर हेलीकॉप्टर ड्राइविंग कर रहे हैं हम लोग। तो इंडियन स्पेक ड्राइविंग थ्री गेम में जितने भी सारे चीट कोड है, आप लोगों को अगर कोई भी चीट कोड नहीं पता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं उसका चीट कोड तुरंत ही आप लोगों को कमेंट में बता दूंगा। तो देखो दोस्तों, अभी हमारे इंडियन स्पेक ड्राइविंग थ्री में मल्टीप्लेयर का अपडेट नहीं आया, ना तो उसका कोई चीट कोड है। और हाँ, अगर आप लोग नेक्स्ट अपडेट में मल्टीप्लेयर का चीट कोड एंड अपडेट चाहते हो तो आप लोग कमेंट करो बहुत सारा, तभी आप लोगों को मल्टीप्लेयर का चीट कोड पता मिलेगा। तो वेट करो नेक्स्ट अपडेट में, जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएगा आप लोगों को मल्टीप्लेयर का चीट कोड देखने को मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।